हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीवे शिवानी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं शेयर कर रही हूँ अपनी शिमला ब्लॉग सीरीज। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस ना देखे हो तो जरूर जाके मेरे देखिएगा। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना मॉल रोड का पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आर यू रेडी? तो हम लोग अभी थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट कर लिया है, कॉफ़ी खाना पीना खा लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं माल रोड घूमने और देखेंगे क्या है। और कौन सा पॉइंट हम घूमने जा रहे हैं? विच पॉइंट यू हैव सेड? रिज व्यू हम देखेंगे और जहाँ पे हमने दिन में नेशनल फ्लैग देखा था तो वही वहाँ पे पॉइंट है। टूरिस्ट वहाँ पे सब ऐसे एक फेमस है जहाँ पे क्या सेल्फी अकॉर्डिंग टू हिम कि वो टॉप पॉइंट है माल रोड का, तो इसलिए हम अभी नाइट में वहाँ पे जा रहे हैं और फिर माल रोड का भी पूरा एरिया वो घूमेंगे, मार्केट एंड ऑल। सो चले, रेडी? कैमरा मैन कैमरा ले रहा है। तो हम लोग बाहर आ गए, सामने का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, मैं दिखाती हूँ यहाँ से। स्टार्ट हम देख सकते हैं कि अब हमारे मॉल रोड वाला एरिया पूरा आ गया है। होटल से चलते चलते यहाँ पे आ गए हैं सेक्शन में। सेक्शन बोल रही हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि सच में मॉल के सेक्शन में आई हूँ किसी। कितना कलरफुल और लाइटिंग वाला एरिया लग रहा है ना। हमारी पूरी मॉल रोड है। यहाँ पे ऐसे पहाड़ों की ऐसे इतनी भीनी भीनी जो जबरदस्ती ठंड है उसमें ऐसे घूमने में ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई सच में क्रिसमस और न्यू ईयर का जो माहौल है वो बिल्कुल ऐसे छाया हुआ। इतनी भीड़ है, मतलब पूरा रश लग ही नहीं रहा है कि कितना टाइम हो रहा है। सब बिल्कुल मस्ती में घूम रहे हैं। इट्स वेरी गुड यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिस इज समवेयर लाइक मिडिल पॉइंट ऑफ माल रोड, मिडिल पॉइंट ऑफ माल रोड। सो जिनको नहीं पता है तो हम ये कह सकते हैं कि शिमला हमारे भारत की पहले कैपिटल थी, समर कैपिटल थी, समर कैपिटल थी एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश, हाँ एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये भी एक पॉइंट है। और अभी हम रिज व्यू पे जा रहे हैं तो वहाँ से हम पूरा व्यू देखेंगे और सेल्फी क्लिक करेंगे। सो लेट्स गो। ये अटल जी का स्टैचू है यहाँ पे। कोई पॉइंट है यहाँ पे, इसको कुछ अलग से बोलते हैं? रिज व्यू पॉइंट है। रिज व्यू पॉइंट मतलब जहाँ वो फ्लैग, ये हम लोग डायरेक्ट इस फ्लैग के ही नीचे खड़े हुए हैं। और यहीं पर अटल जी का है और ये पूरा पॉइंट है। सामने रिज व्यू चर्च है, ये एक चर्च है, अच्छा सा यहाँ पे डेकोरेटेड है। ये तो देख सकते हैं, मुझे तो बहुत भीड़ लग रही है यहाँ पे, बहुत रश है। और वहाँ ऊपर जहाँ एक हट टाइप की बनी है वहाँ पे लोग जहाँ खड़े हैं तो वो भी पॉइंट है, वहाँ सब सेल्फी लेते हैं खड़े होके फोटो के लिए। और ये देखो पूरा एरिया कितना सुंदर है। और मिश्रा जी कैसा लग रहा है आपको? Awesome. Are you enjoying? Are you enjoying? Yes. तो एक्चुअली ठंडी हवा है, हवा तो सच में बहुत ठंडी चल रही है और हमने बहुत कपड़े पहने हैं चलते आते साथ साथ। मैंने लाइफ में इतने कपड़े कभी नहीं पहने जितने इस बार पहने। सही बात है, तो हमने कितने दो दो तीन तीन स्वेटर तो पहने ही है आई थिंक। और यहाँ पे ठंड काफ़ी है, पहाड़ों में तो वैसे ही ठंड होती है तो यहाँ पे भी है। और मैं क्या कुछ बताने जा रही थी तो भूल गई। एक बात है कि जो मेरी फैमिली में जितनी फीमेल्स हैं
इतनी ठंड लगती है दुनिया में? नहीं नहीं ठंड तो सबको लगती है, ऐसा नहीं ठंड सबको लगती है। हाँ यहाँ पे लड़कियाँ ड्रेस में कुछ हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि लड़के यहाँ पे ड्रेस में कैसे हैं, बिकॉज मैंने तो जैकेट अंदर दो स्वेटर इतना कुछ पहन रखा है और उसके बाद भी ठंड लग रही है मुझे। पता नहीं कैसे लोग यहाँ पे ड्रेस में घूम रहे हैं। और दूसरी बात जो हमने देखी यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से यहाँ पे, नॉट लॉकडाउन बट कोरोना की वजह से यहाँ पे अब पुलिस घूम रही है और मास्क पहनना यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि और अगर जो नहीं पहन रहा है तो उसके लिए कह रहे हैं आई थिंक कुछ फाइन वगैरह भी काट रहे हैं ये लोग, चालान डिडक्ट कर रहे हैं, 1000 रुपये चालान है। तो यहाँ पे सबको मास्क पहन के रहना है और जो लोग बिना मास्क के हैं तो शायद उनमें से कुछ ही लोग बचे जा रहे हैं जो इधर उधर कह रहे हैं कि हाँ मैं फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ ये खिंचा रहा हूँ, अदरवाइज़ यहाँ मास्क पहन के घूमना कंपलसरी है। ये अब हम लोग आके पहुँच रहे हैं क्राइस्ट चर्च जो शिमला का है, और चर्च के ही नीचे खड़े हुए हैं हम लोग। तो पीछे आप देख सकते हो डेकोरेशन यहाँ पे कैसे हो रखी है, आई थिंक ये और ओवरऑल व्यू दिखाती हूँ ऐसे। ये डोर अभी बंद है यहाँ का, तो खुला नहीं है, ये बंद है चर्च। पीछे का पूरा व्यू ऐसे है और यहाँ पे भीड़ लगा के लोग खड़े हुए हैं, पता नहीं सब तरफ जा रहे हैं। अब हम ये ऊपर जो रिज व्यू है, अच्छा रिज व्यू से नीचे माल रोड है, ओके तो ये वाला रास्ता हमारा माल रोड को जा रहा है। यहाँ से हम शेर पंजाब ढाबा की तरफ जा रहे हैं। ओके हम जा रहे हैं माल रोड पर, बट अगर हमें कुछ अरे यहाँ तो अंधेरा सा हो गया, यहाँ पे ऊपर लाइट नहीं है तो अब नीचे की तरफ है थोड़ा माल तो, रोड पर यहाँ से हम माल रोड पे ही नीचे यहाँ से देखो कितनी भीड़ है कहाँ पे। अगर आप नीचे देखो, रुको नीचे का भी दिखाऊंगी थोड़ा सा, नीचे आके बहुत ही रश है, मैं दिखाती हूँ। मार्केट शॉप्स हैं यहाँ पे, वही सारा विंटर्स का ही मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना, स्वेटर्स शॉल मफलर ग्लव्स। क्या पता कर रहे हैं हम यहाँ पे, छोटा सा केक, केक ओ वाव केक मास्टर। तो हम वो केक वाली शॉप से बाहर आ गए, बहुत भीड़ थी वहाँ पे और अभी हमें थोड़ा मार्केट ऑलरेडी घूमना है, तो अभी तो हम केक नहीं लिया है क्योंकि फिर वो बैग में कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए अभी हमने नहीं लिया, तो हम लौटते में लेंगे और लेते हुए जाएंगे केक या पेस्ट्री जो भी हमें ठीक लगेगा। तो अभी हम मार्केट ही घूमते हैं और यहाँ पे देखो कितना अच्छा अच्छा सारा विंटर्स का सामान है, और जो मुझे पसंद आया वो ये जो वुड में लगा है सेट, ये मुझे बहुत सही लगा। तो देखो कितने अच्छे अच्छे ऐसे सजे हुए, तो खाओ खाओ खाओ, रुक क्यों गए, कैसा है हलवा, सही है। और ये रहा हमारा केक। तो हमने ये सोचा है कि हम छोटा सा पिज़्ज़ा थिन क्रस्ट वाला ट्राई कर लेते हैं, तो वो बहुत हैवी भी नहीं होगा, इनको भी ज़्यादा नहीं खाना है मुझे भी ज़्यादा नहीं खाना है, तो वहीं से ही खा लेते हैं हल्का सा, और फिर केक तो है ही हमारे पास, और हम देन होटल में ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे फिर। तो चलते हैं डोमिनोज़, और ये आ गया है डोमिनोज़ से बाहर निकल आए हैं क्योंकि वहाँ पे 45-50 मिनट्स की वेटिंग थी, वहाँ पे इतना रश है कि, और वहाँ पे ऊपर सिटिंग का भी प्रॉपर नहीं था, तो हमें
फाइनली उनको अपने होटल का एड्रेस देना पड़ा कि हमारे होटल में डिलीवर करा देना. तो अब मे बी 1.5 से 2 घंटे लगेंगे हमें, तब तक तब उसके बाद ही वो डिलीवर करेंगे. और 1.5 से 2 घंटे में तो हम अपने होटल पहुंच जाएंगे. तब तक हम इधर उधर देखते हैं क्या खा पी सकते हैं, तो खाने पे फोकस करते हैं और घूमने पे. कॉफ़ी सोच रही हूँ कोई कॉफ़ी मिल जाए तो मज़ा आ जाए. अरे 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 एक मिनट आ गए एक रेस्टोरेंट में, तो जहाँ पे हमने 2 कॉफ़ी ऑर्डर की है और एक चीज़. What is the restaurant name? It's Hideout Cafe. हाँ तो Seems good. तो दे हाँ स्टाफ तो सही लग रहा है. अभी देखते हैं कि कॉफ़ी कैसी मिलती है हमें. मशीन देखने में अच्छी लग रही थी. मशीन देखने में अच्छी लग रही थी. होप यू कॉफ़ी भी अच्छी हो. एंड ट्राई कर लेना अपना गार्लिक ब्रेड का. गार्लिक ब्रेड ट्राई कर रहे हैं, ये फेवरेट है इनकी. ये कि हमने डोमिनोज में आज ऑर्डर नहीं किया तो हम इसलिए यहाँ से कर रहे हैं. भूख नहीं है बट बिकॉज हम शिमला घूमने आए हैं और रात को कुछ खाना है भी तो अच्छा नहीं है. हम मोटे लोगों के लिए थोड़ा सा ये कर लेते हैं. तो आते ही कॉफ़ी आते हैं, दिन देखते कैसी आती है. पी लिए और चीज़ ब्रेड भी खा लिए. तो कॉफ़ी कैफ़े लाते थी बहुत ही अच्छी थी, टेस्टी थी. छोटा कैफ़े था, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था. और अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं बिकॉज अब हमने जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था तो वो भी वहाँ पे डिलीवर हो जाएगा, तो वो ठंडा ना हो पाए और टाइम भी हो गया. तो अभी नई चीज़ पता चली है कि शिमला में इस टाइम पर 10 से रात में 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लॉकडाउन है. तो और वैसे भी अब 9 बज रहे हैं और हमें अपना पिज़्ज़ा भी पिक करना है होटल से ही. तो वी आर गोइंग होटल नाउ, लेट्स गो. तो इस समय हम लोग कर रहे हैं वेट 12 बजने का. तो फिर हम केक काटेंगे न्यू ईयर की तैयारी. तो हम लोग आ गए अपने होटल में और ये बगल में रखा है हमारा केक, तो जिसको अब हम कुछ ही देर में काटने जा रहे हैं. और हमारा न्यू ईयर जाएगा, नया साल शिमला में हम यहाँ सेलिब्रेट करेंगे आप सबके साथ. तो करते हैं केक कटिंग की तैयारी. Happy New Year. नया साल बहुत बहुत मुबारक. Happy New Year to all. नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक मुबारक हो.